क्या होता अगर आपको एक फ्री पर्सनल असिस्टेंट मिलता, तो आपके सारे डिजिटल मार्केटिंग टास्क ना वो आसानी से हैंडल कर लेता। सोचिए एक ऐसा टूल के बारे में जिसे आप सिर्फ अपना टाइम सेव नहीं कर सकते लेकिन अपने रिजल्ट्स को भी बेहतर बना सकते हैं। हम सबको पता है ना कि चाहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो या डिजिटल मार्केटिंग, दोनों में ही बहुत टाइम लगता है। एक पल के लिए सोचिए कि आपका अपना एक बिजनेस है, आपको अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का मार्केटिंग करनी है, उसके लिए कॉपीराइटिंग करनी होती है, उसके लिए आपको प्रोमोट भी उसको करना होता है, और ये सारा सब कुछ अगर मिनटों में हो जाए, शॉकिंग लग रहा है ना, लेकिन दोस्तों ये सच है आज के जमाने में, क्योंकि हम एआई के एरा में हैं और यहां ऐसा सब कुछ पॉसिबल है। एआई ने ऑलरेडी कई इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन मचा रखा है। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं AI is going to rule the world, और हाँ ये बिल्कुल सच है। AI can replace humans, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि humans उसको सही से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं इसी टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाता रहता हूँ, और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस कंटिन्यूअस मिलते रहे एआई पे और आने वाले ट्रेंडिंग सब्जेक्ट पे। एआई का सही यूज करके आप डिजिटल मार्केटिंग को आसानी से हैंडल कर सकते हैं, और जो लोग पहले से डिजिटल मार्केटिंग में हैं उनके लिए ये वीडियो उनके टास्क को और भी एफिशिएंट बनाने में मदद करेगा। लिख लो, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पावरफुल टेक्निक्स बताने वाला हूँ, कुछ पावरफुल प्रॉम्प्ट्स बताने वाला हूँ जो आपको हैरान कर देंगे। कैसे? चलो मैं आपको 5 ऐसे डिजिटल मार्केटिंग टास्क के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आपका काम कुछ ही मिनट में और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, और वो भी सिर्फ एक टूल से। यस, माय फेवरेट ChatGPT। ये असिस्टेंट हमेशा आपके साथ रहेगा एज अ पर्सनल असिस्टेंट बनके, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, वो कभी थकता नहीं है और ना ही ये कभी आपसे सैलरी मांगता है। अगर आप भी चाहते हैं एक पर्सनल असिस्टेंट और वो भी बिल्कुल फ्री में, तो बस आपको एक छोटा सा सिंपल सा काम करना पड़ेगा, वो है इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं 5 ऐसे जबरदस्त टास्क बताने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग के जो आपकी लाइफ को सुपर डुपर इजी कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्त को भी फायदा हो तो उसको शेयर करना मत भूलना, उसके लिए भी एक पर्सनल असिस्टेंट फ्री में उसको मिल जाएगा। तो चलिए आप जल्दी से एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ, उस रेड बटन को क्लिक करने के साथ शुरू करते हैं आज का ये पर्टिकुलर वीडियो। अच्छा, इसे इस तरीके से समझो, ChatGPT को एक वर्सेटाइल गाड़ी के रूप में देखो। ये वो गाड़ी है जो किसी भी रास्ते पर चलाई जा सकती है, बस आपको इसको सही तरीके से चलाना आना चाहिए, और हमें खुशी है कि हमारे पास इस टाइप की गाड़ी है और हम इस एरा में जी रहे हैं। ऐसी गाड़ी जिसे हम अपने बहुत सारे कामों के लिए आसानी से चला सकते हैं। अब सोचिए क्या है वो एक सबसे बड़ी चीज जो कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। हर इंसान का जवाब अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बिजनेसमैन के लिए जवाब होगा उसकी सबसे वैल्यूएबल चीज है उसके लिए टाइम। और ये 100% सच है, हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, और ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आप उन 24 घंटे को कैसे यूज करते हैं। जहां समय बचाया वहां कुछ भी आप हासिल कर सकते हो। सोचो अगर आप अपना पूरा टाइम सिर्फ एक ही काम में लगा देते हो तो क्या आप बाकी कामों को संभाल पाओगे? अब इसी थॉट के साथ चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारे पहले टास्क को जो हम अपने पर्सनल असिस्टेंट यानी ChatGPT से करवा सकते हैं। नंबर 1, बायर पर्सोना। सोचो आपके पास एक प्रोडक्ट या सर्विस है, मान लो आपके पास एक हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप की ईबुक है जो आपको बेचना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन इंटरेस्टेड होगा इस ईबुक में? कैसे समझोगे कि कौन वो इंसान है जिसको इस ईबुक को खरीदना है? इसी कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग में हम बायर पर्सोना कहते हैं। बायर पर्सोना वो इमेजिनरी कैरेक्टर होता है जो आपके आइडल कस्टमर्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मान लो एक मिरर इमेज। ये आपको गाइड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, उनका बिहेवियर क्या है और उनके क्या नीड्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, बायर पर्सोना के थ्रू आप अपने ऑडियंस को डीपली समझ सकते हो, आप उनकी प्रॉब्लम और प्रेफरेंसेस को समझ सकते हो और उनके लिए स्पेसिफिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। इससे आपके मार्केटिंग कैंपेन ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और आप अपने ऑडियंस के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं।
बिना बायर पर्सोना के भी मार्केटिंग की जा सकती है, बिल्कुल। लेकिन जैसे मानो जिसको नहीं दिखता वो अगर आम के पेड़ के नीचे आम ढूंढे, बिल्कुल ठीक वैसा ही। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको मैं बताता हूं कि आप कैसे अपने असिस्टेंट से एक सॉलिड बायर पर्सोना बनवा सकते हैं। चलो दोस्तों अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। अब मैं आपको बायर पर्सोना के बारे में डिटेल में बताने से पहले हमें एक टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है AIPRM। तो कैसे करेंगे, चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और AIPRM टाइप करके इसको सर्च करना है। जो सबसे ऊपर वाला लिंक दिखेगा AIPRM फॉर ChatGPT, उस पर क्लिक करिए। अब इसको इंस्टॉल करना है जो कि बहुत ही सिंपल है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको गूगल में ChatGPT सर्च करना है और उसको ओपन करना है। उसके बाद जैसे ही ओपन हो जाता है उसको रिफ्रेश करिए, बस। अब आप पब्लिक पे क्लिक करिए। सबसे पहले अब राइट साइड में सर्च का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करिए और बायर पर्सोना टाइप करिए। जब आप टाइप करेंगे तो आपको बायर पर्सोना लेजेंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। और जैसे हम ईबुक के बारे में बात कर रहे थे, आप हाउ टू स्टार्ट ईबुक टाइप कर दीजिए। अब देखिए मैजिक दोस्तों, ये वही डिटेल्स हैं जिनके लिए कंसल्टेंट्स हजारों डॉलर्स चार्ज करते हैं और ये आपका असिस्टेंट ने आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया है। अमेजिंग ना, इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन शायद आपको अपने कस्टमर्स के बारे में भी नहीं पता थी। अगर आप इस बायर पर्सोना को सही से यूटिलाइज करते हैं ना तो आपकी सेल्स इतनी बढ़ जाएगी जितनी आप सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर बड़ी कंपनीज भी सेम यही फॉर्मूला अपनाती है। यकीन नहीं आता, खुद ट्राई करिए और देखिए। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तो 4 और ऐसे टास्क है जो आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपने असिस्टेंट से करवा सकते हैं। अक्सर हम वही चीज याद रखते हैं जो हमें पसंद आती है ना। अब सोचो अगर आपके पोटेंशियल कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट पेज पर आए लेकिन बिना कुछ खरीदे चले जाएं और हो सकता है वो फिर भूल भी जाएं, तो ऐसे में आपकी सेल कैसे होगी? इसी प्रॉब्लम का सलूशन है पुश नोटिफिकेशन। जब भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स आपको भूल जाए बस उन्हें नोटिफाई कर दो। आपको ये पता है क्या कि अगर कोई वेबसाइट पुश नोटिफिकेशन का यूज करता है तो उसकी सेल्स में तकरीबन 60% तक की ग्रोथ होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च डेटा कह रहा है। अब जिन्हें पुश नोटिफिकेशन के बारे में पता है उन्हें समझ में आ गया होगा, लेकिन जो नहीं जानते, देखो मेरे स्क्रीन पर ऐसे नोटिफिकेशन जो आपको दिख रहे हैं ना, आपने अपने फोन पर भी देखे होंगे और इन्हीं को ही पुश नोटिफिकेशन कहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर ऐसे नोटिफिकेशंस आए तो आप जल्दी से नोटिक्स यूज करना शुरू कर दो। नोटिक्स एक ऐसा सैस है जो आपकी वेबसाइट पर पुश नोटिफिकेशन सेंड करता है। आपको बस अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पर इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है और फिर देखो इसके अमेजिंग बेनिफिट्स। कुछ बेनिफिट्स की बात करें तो नोटिक्स आपको 30% बेटर डिलीवरी रेट प्रोवाइड करता है। ऑन साइट नोटिफिकेशंस के अलावा इन ऐप नोटिफिकेशंस का भी फीचर अवेलेबल है। और अगर आपको ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंप्रूव करना है तो ऑडियंस सेगमेंटेशन भी बहुत जरूरी है। और खुशी की बात यह है कि नोटिक्स में ऑडियंस सेगमेंट भी अवेलेबल है। कमाल की चीज है ना दोस्तों। तो अब किस बात का वेट कर रहे हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाओ अपना फ्री अकाउंट बनाओ और अगर पसंद आए तो इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी ले लेना, लेकिन 30,000 सब्सक्राइबर्स तक ये बिल्कुल फ्री है। सेकंड टास्क जो आप अपने असिस्टेंट से करवाएंगे, दैट इज नोन एज फनल बिल्डिंग। अगर आप सच में एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाना चाहते हो तो आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलो आज हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो आपके सेल्स को इतना बढ़ा देगा जितना आप सोच नहीं सकते। लेकिन पहले हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। मार्केटिंग में इस सिस्टम को फनल कहते हैं। ये फनल कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल होता है। अगर कोई इसे सही से इंप्लीमेंट कर लेता है तो उसकी ग्रोथ की स्पीड रॉकेट बन जाती है। फनल बिल्डिंग का बेसिक आइडिया क्या है, चलो मैं बताता हूं। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जहां हम अपने ऑडियंस को स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को परचेज करे। ये जर्नी एक फनल के शेप में होती है जहां हम ऑडियंस को अवेयरनेस स्टेज से लेके कन्वर्जन तक पहुंचाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे तो ये फनल वर्ड क्या होता है? देखो फनल का स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है जो टॉप पे वाइड होता है और बॉटम की तरफ नैरो हो जाता है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसी तरह अगर हम मार्केटिंग में बात करें तो अवेयरनेस स्टेज पर बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन फाइनल कन्वर्जन स्टेज तक सिर्फ कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। तो फनल क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि फनल हमें यह दिखाता है कि कैसे हमें अपने कन्वर्जन्स को इंक्रीज करना है। इसमें हम अलग अलग स्टेजेस के लिए डिफरेंट कंटेंट क्रिएट करते हैं जिससे सेल्स डेफिनेटली बढ़ती है। एक छोटी सी सीक्रेट बात शेयर करूं, मार्केट में कुछ लोग फनल को एक एक्सपेंसिव टूल या सॉफ्टवेयर के रूप में भी प्रेजेंट करते हैं और सेल भी करते हैं, लेकिन असल में ये एक स्ट्रैटेजी है। और गेस व्हाट, आपका असिस्टेंट चैट जीपीटी आपको इसमें भी हेल्प कर सकता है, आपको बस सही डायरेक्शन और सही प्रॉम्प्ट देना है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके, और एक मार्केटिंग फनल को तैयार करते हैं। हमारे स्टेप्स सिंपल होंगे यहां पर। सबसे पहले हम चैट जीपीटी के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, वहां न्यू चैट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फनल बिल्डिंग टाइप करेंगे सर्च में। आपको एक ऑप्शन दिखेगा मार्केटिंग फनल बिल्डिंग टूल, सिंपली उस पर क्लिक करो। अब अपना बिजनेस टाइप लिखना है, जैसे हम बात कर रहे हैं ई बुक सेलिंग करने के बारे में तो हम वही टाइप करेंगे। सो गाइस, आपका फनल तैयार हो चुका है। इस फनल को अब आप अपने सेल्स स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट कर सकते हैं जिससे आपका एंटायर सेल्स प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। ये फनल आपको ये भी बताएगा कि आपको अपने ऑडियंस के साथ कैसे इंटरैक्शन करना है। और याद रहे कि चैट जीपीटी के साथ आप और भी तरह के कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस को डिटेल में समझना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो तैयार कर दूंगा। अब आते हैं थर्ड टास्क, विच इज कीवर्ड रिसर्च। हर वेबसाइट की एसईओ जर्नी शुरू होती है कीवर्ड रिसर्च से, और बिलीव इट और नॉट, वेबसाइट की रैंकिंग भी इसी पे ओरिजिनल फॉर्म पे डिपेंड करती है। तो जो लोग नए हैं और नहीं जानते कि कीवर्ड रिसर्च क्या होता है, उनके लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। कीवर्ड रिसर्च वो प्रोसेस है जहां हम वो वर्ड ढूंढते हैं या सेट ऑफ वर्ड्स ढूंढते हैं जिससे हम हमारे कंटेंट को सर्च इंजन पर टॉप पे ला सकते हैं। और अगर आपको इसके बारे में डीपली जानना है तो ऊपर दिए गए आई बटन को आप क्लिक कर सकते हो, डिटेल वीडियो अवेलेबल है। चलो अब हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी को यूज करके मैं कीवर्ड रिसर्च कैसे कर सकता हूं। शुरुआत करते हैं कीवर्ड सिलेक्शन से। सबसे पहली बात, आपको डिसाइड करना होगा कि आपका फोकस कीवर्ड क्या होगा। जैसे हमारे ईबुक का टाइटल था हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, तो नेचुरली हमारा फोकस कीवर्ड क्या होगा, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, राइट? फोकस कीवर्ड डिसाइड हो गया, ऑसम, आगे बढ़ते हैं। वैसा ही प्रोसेस, हम चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां न्यू चैट पे क्लिक करेंगे और कीवर्ड रिसर्च टाइप करेंगे। आपको एक ऑप्शन मिलेगा चैट जीपीटी सेमरश कीवर्ड रिसर्च टूल, बस उस पर क्लिक करिए। अब आपको वहां हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप टाइप करके सर्च करना है। अब तैयार हो जाओ क्योंकि चैट जीपीटी आपको कुछ मैजिक दिखाने वाला है। देखो कितने सारे रेलिवेंट कीवर्ड्स और वो भी इतनी जल्दी। सोच रहे होंगे ना कि क्या आप खुद भी इतनी जल्दी कीवर्ड रिसर्च कर पाते, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आपने कीवर्ड रिसर्च तो कर लिया, अब हम चलते हैं कंटेंट रिसर्च की तरफ, जो कि डिजिटल मार्केटिंग में एक क्रूशियल स्टेप है। सुना तो होगा ना आपने कि कंटेंट इज द किंग, लेकिन आजकल कंटेंट सिर्फ किंग नहीं है, वो पूरी किंगडम बन गया है। सही कंटेंट को सही ऑडियंस तक पहुंचाना इज व्हाट मेक द डिफरेंस, और इसलिए कंटेंट को क्राफ्ट करते वक्त सही और ऑथेंटिक डेटा का होना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिसर्च कैसे करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि गूगल पे जाके कुछ सर्च करना ही रिसर्च है, लेकिन असल में रिसर्च का मतलब थोड़ा अलग है। जब हम किसी स्पेसिफिक डेटा या इंफॉर्मेशन को रेफर करते हैं तब रिसर्च का मतलब कुछ और होता है। रिसर्च शब्द को समझने के लिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड करो। तो रिसर्च का असली मतलब होता है किसी चीज को फिर से या नए एंगल से देखना। समझ आया? चलो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जब किसी को कुछ जानकारी चाहिए होती है तो वो गूगल या यूट्यूब पर सर्च करता है। कुछ लोग ट्रेडिशनल तरीके से न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स या बुक भी पढ़ते हैं। ये सारे सोर्सेस हैं जहां से आप इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपका बहुत टाइम चला जाता है। सोचो अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप कम टाइम में ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, कैसा लगेगा? मस्त ना? तो दोस्तों आपने टाइटल डिसाइड कर लिया है How to start a startup, लेकिन इस टाइटल के अंदर का कंटेंट क्या होगा ये सोचा? नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। चलो इस काम को भी हम अपने रिलायबल असिस्टेंट चैट जीपीटी से करवाते हैं।
फिर से चैट जीपीटी पर जाओ और वही पुराना प्रोसेस फॉलो करो। इस बार रिसर्च में रिसर्च टाइप करो, क्योंकि स्पेसिफिकली कंटेंट रिसर्च के लिए कोई डायरेक्ट प्रॉम्प्ट नहीं है। हम रिसर्च टाइप करने के बाद ऑप्शंस चेक करेंगे, आपको स्मार्ट रिसर्च ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली उस पर क्लिक करो और ओपन करने के बाद रिसर्च करने के लिए टॉपिक ऐड करो, जैसे कि हम करेंगे हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। कितनी जल्दी चैट जीपीटी ने हमें इतना वैल्यूएबल कंटेंट दे दिया, अब आपके हाथ में है कि आप इस कंटेंट को कैसे यूज करते हैं और मार्केट में कैसे अपनी यूनिक पहचान बनाते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट टास्क जो कि आप चैट जीपीटी असिस्टेंट से करवाएंगे, दैट विल बी द कॉपी राइटिंग। कॉन्टेंट चाहे कैसा भी हो, तब तक ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा जब तक कि वो अट्रैक्टिव और रेलिवेंट ना हो। देखो, समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट, कॉपी राइटिंग। अगर मैं अपनी ई बुक बेच रहा हूं तो उसका कंटेंट चाहे कैसा भी हो, तब तक ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा जब तक वो अट्रैक्टिव और रेलिवेंट ना हो। तो ठीक है, कॉपीराइटिंग को समझने के लिए फिर से उसी ई बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप बुक को अगर कोई न्यूबी लिखेगा, कोई नया लिखेगा, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप एक फुल गाइडेंस है, नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, ये हर चीज कवर करता है, स्टार्टिंग आइडियाज से लेकर आपके बिजनेस को ग्रो करने तक। तो ये एक न्यूबी वाला वर्जन था। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन, वही कंटेंट एक प्रोफेशनल कॉपीराइटर ने लिखी होती तो वो कुछ ऐसा दिखता। आपकी एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट को जगाओ हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के साथ, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के सीक्रेट्स को जानो, बिजनेस आइडिया जनरेशन की दुनिया को समझो और इमेजिनेशन से आगे बढ़ो। ये सिर्फ एक गाइड नहीं है, ये आपका सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। आज ही अपनी जर्नी शुरू करो। देखा, ये होता है प्रोफेशनल कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग वो आर्ट है जिसे हम वर्ड्स को यूज करके लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम अपने वर्ड से इमोशंस जगाते हैं और उन्हें किसी स्पेसिफिक एक्शन के लिए मोटिवेट करते हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट को खरीदना हो या सर्विस को ट्राई करना हो। प्रोडक्ट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम कॉपीराइटिंग की हेल्प से अपनी टारगेट कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिर मार्केटर्स के लिए कॉपीराइटिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि मार्केटर्स का मेन गोल होता है अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचकर उनसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना और अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना, और इसमें कॉपीराइटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझसे तो इतनी क्रिएटिव राइटिंग होगी नहीं, तो टेंशन क्यों लेते हो? अब आपका पर्सनल असिस्टेंट चैट जीपीटी है ना आपके साथ, बस आपको उसका सही यूज करना है, और वो भी मैं ही बता रहा हूं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि चैट जीपीटी से एक इफेक्टिव कंटेंट कैसे तैयार करवाना है। इस बार चैट जीपीटी में कोई भी स्पेसिफिक सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पब्लिक ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे दिए गए ऑप्शन ह्यूमन रिटन 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल पर क्लिक करना है और अपने टॉपिक को वहां पर टाइप कर देना है। तो हम टाइप करेंगे ई बुक हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, और बस कुछ ही सेकेंड्स में चैट जीपीटी आपके पूरे ईबुक का कंटेंट, हेडलाइंस, चैप्टर्स सब तैयार करके दे देगा। यहां देखिए, इस टेबल पर आपको सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। अब ये कंटेंट आपके लिए कस्टमाइज है, लेकिन एक छोटी सी बात जरूर याद रखिए, एंड में इसको एक बार रीड करके चेक जरूर कर लेना। तो मार्केटर्स, कैसी लगी आज की ये वीडियो? आज हमने डिस्कस किए 5 ऐसे मार्केटिंग टास्क जो आपका बहुत टाइम लेते थे, लेकिन अब से नहीं लेंगे, क्योंकि अब आपका पर्सनल असिस्टेंट चैट जीपीटी ये सब काम आपके लिए कुछ ही पल में कर देगा। अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो चैट जीपीटी को जितनी जल्दी हो सके सीख लो। ये टूल आपको एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाएगा, जिससे आप अपने टास्क को जल्दी से और क्रिएटिविटी के साथ कंप्लीट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो गाइज, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी तो आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को आगे भी लेने के लिए जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो अपना कोई एक वैल्यूबल फीडबैक। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उनको भी ऐसी वैल्यूबल वीडियो की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आप चैट जीपीटी के साथ और भी पैसे कमाना चाहते हो तो अब इस वीडियो को क्लिक करो, मैं आपको दोबारा वहीं मिलूंगा।